हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर जो हमारा शिक्षा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है यूनिट 8, उसके अंदर हम बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो सेक्शन 37 के अंदर बताता है। इससे पहले हमने 28 सेक्शन पढ़ा था, जो क्या बताता है, जो बताता है PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, के किसके अंदर वो टैक्सेबल है, कौन सा बिजनेस जो बिजनेस में इंक्लूड होगा, कौन सा प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड होना है कि नहीं होना है, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा एक डेप्रिसिएशन का टॉपिक आता है, उसको भी हम कवर करेंगे। फिर हमारा आता है बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉस का टॉपिक। तो ये छोटा सा टॉपिक है और एक ही सेक्शन है, तो हम इसको स्टार्ट जल्दी से खत्म कर देंगे, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉस का जो टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर, अगर जिसके मतलब बिजनेस के पर्पज व्यू से ही आपने ऐसे एक्सपेंडिचर, आपने ऐसे खर्चे किए हैं, तो वो आपका डिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से। इसमें बोला हुआ है एनी एक्सपेंडिचर नॉट बींग, देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें ओवरऑल इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि अगर सेक्शन 30 से लेके 36 तक कोई भी डिडक्शन अगर कवर नहीं है या आपको नहीं मिल रही है, तो सेक्शन 37 ये बोलेगा कि हम आपको डिडक्शन देंगे 37 के अंदर। तो सेक्शन 30 से लेके 36 तक अगर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिल रही है, तो आपको सेक्शन 37 जो है वो डिडक्शन देगा। तो ये वही सेक्शन बोलता है। स्टार्ट करते हैं। एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑफ द नेचर डिस्क्राइब इन सेक्शन 30 to 36, जो 30 से लेके 36 के अंदर डिस्क्राइब ना हुए हो, एंड नॉट बीइंग इन द नेम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर, और पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसेट ना हो, किसी ने पर्सनल वो ना किया हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कैपिटल खर्चे नहीं होने चाहिए यहाँ पर। ये याद रखना कि जो ये वाला चीज है ना, ये आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ही आपको देता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ही आपको डिडक्शन देता है, बाकी किसी के लिए नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल के बदले कुछ और ले रहे हो, उसके बदले नहीं, ओनली रिवेन्यू के लिए। तो इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी। इसमें हमने ये पढ़ा कि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, जब सेक्शन 30 और 36 के अंदर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिल रही है, तो सेक्शन 37 ये बोलेगा कि आपको मैं डिडक्शन दूंगा, तो 30 सेक्शन में आएगा। सेकंड क्या है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। थर्ड क्या, आपका कैपिटल, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होना चाहिए, रिवेन्यू के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में होना चाहिए। तो वही ये सेक्शन बताता है। यहाँ पर हमने यहां तक पढ़ा था, लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो वो हमारा इसके अंदर प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर चार्जेबल होगा। अब किसको हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, अब देखो एक्सपेंडिचर कौन से अलाउड होते हैं इस बिजनेस एक्सपेंडिचर से। मान लो आपको, आपने आपका मतलब 40 रुपए का पेन है, तो इसमें ये बोला है कि इसका जो 20 रुपीज है वो आपका अलाउ किया जा रहा है एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो आपका क्या होगा, 40 है तो 40 में से 20 रुपए आपका माइनस कर देंगे, तो जो 20 रुपए आपका बचा वो आपका टैक्सेबल होगा, बट जो 20 रुपए आपका उनका माइनस हुआ वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपको छूट मिल रही है, तो इसका बेनिफिट है ये हमारा। तो इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या बोलता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन SSC फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और which is prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business or profession and no deduction or allowances shall be made in respect of such expenditure। अब ये बताओ कि आप illegal कोई business कर रहे हो, जो आपको law ने ही मना कर रखा है कि वो आपको नहीं करना है, तो अभी आप उसको कर रहे हो, तो क्या उसमें आपको deduction मिलेगी, तो उसमें आपको कोई भी deduction आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कानून ही मना कर रहा है और आप उसको काम को कर रहे हो, तो आपको कानून क्यों आपको उस चीज में डिडक्शन देगा, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि किसी का होता है बिजनेस होता है किसी को, कि पैसे लेके किसी को मारना या पैसे लेके कुछ करना जो इलीगल है, तो आपको वो क्यों डिडक्शन देंगे, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशन टू बोलता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के अंदर बताया था, जो हमने पढ़ा था ना, जो सेक्शन 30 से 36 तक अगर आपको कवर नहीं हो रहा उसमें डिडक्शन, तो वो इसके अंदर होगा। सेक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन SSC ऑन द एक्टिविटी रिलेटिंग टू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 shall not be deemed to be an expenditure incurred by the SSC for the purpose of the business or profession।
देखो अगर आप कोई जैसे कि आपको सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में ना आपको कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किया गया है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करो या कुछ भी करो, कोई एक्टिविटी करो, तो अब वो कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है ना कि आप करो, तो इसमें आपको इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो कंपनी का एक्टिविटी है तो वो आपको किसी और चीज के ना डिडक्शन मिल सकता है, पर आपको इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा वो, तो ये बता रहा है बस सिंपल सा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ऐसे मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख के याद कर लेती हूँ, क्योंकि पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो एट द एंड हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें याद रहता है। कंपनी एक्टिविटी सेक्शन 135 जो है वो रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट है शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ एक्सपेंडिचर। उसको हम खर्चा नहीं मानेंगे कि आपका उसका खर्चा जा रहा है। आप जैसे कि मान लो एक कंपनी है, ABCD लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने मेंबर को बोला कि आप वहां पर जाके एक्टिविटी करो ये वाली, कि जिससे हमारा प्रमोशन हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर मतलब इसके अंदर आपका डिडक्शन होगा। नहीं, वो आपका डिडक्शन नहीं होगा, वो आपका सैलरी। अब आप उसको एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा रहे हो ना, तो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर वो आपका चार्जेबल होगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका जो वन का भी है सेक्शन सब क्लोज वन, नहीं है टू है, आई थिंक टू का भी है, तो वो क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग, एक बार इसको ना अब बेरक से चेक कर लेने वन भी है या टू भी है, बाकी स्टार्ट करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन फर्स्ट, नो अलाउंसेस शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन SSC एंड एडवर्टाइजमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे कोई पैसा खर्च करो तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आप इसके अंदर आपको वो डिडक्ट मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए, तो नहीं होगा। इन एनी सर्वेयर ब्राउचर ट्रैक्ट पैम्पलेट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो पैम्पलेट का जो पैसा, आप ये नहीं बोलोगे कि भैया ये तो एक्सपेंडिचर है, ये तो आपका भैया उसने आपने बिजनेस प्रोफेशन में से कमाया है तो अब आप जाके उस पर खर्च कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल होगा, उसमें डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाले। अब देखो सेक्शन 37 के लिए कुछ कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंडीशंस याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो सेक्शन 30 और 36 के अंदर एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक ना किया गया हो। देखो सच एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द स्पेसिफिक सेक्शन 32-36 तक ना आए। सेकेंड क्या है, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल नेचर, मैंने आपको पहले बताया था किस नेचर का होना चाहिए, ओनली रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। रिवेन्यू मतलब पैसे, पैसों के फॉर्म में होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में वो एक्सपेंडिचर हो, ऐसा नहीं हो कि प्रीवियस ईयर लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर हुआ तो उसको आप डिडक्शन करो, नहीं, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। फोर्थ है द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ अ पर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, आपको पहले बताया था पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये याद रखना कि जो पर्पज है उसका एक्सपेंडिचर खर्चे का वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही होना चाहिए बस। द बिजनेस शुड बी कमेंस, जो बिजनेस आपका होगा तभी आपको ये एक्सपेंडिचर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको घर के लिए आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। अब एक दो केस थे मैंने काफी इंपॉर्टेंट है, मिलिना डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस DCIT 2010 का केस है। इसमें क्या हुआ था, रेगुलेशन फीस पेड टू म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो रेगुलेशन फीस जो पे की गई थी म्यूनिसिपल अथॉरिटी को पे कर दी गई थी, तो इसमें हाई कोर्ट जो कर्नाटका की थी तो उसने क्या डिसाइड किया था, दैट एनी रेगुलेशन फीस पे टू म्यूनिसिपल अथॉरिटी फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट एबिलेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 एज द सेम वॉज इन नेचर ऑफ पेनल्टी। जैसे कि मान लो कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी को जो फी पे की जा रही है वो क्यों फी इसलिए पे की जा रही है कि जो उसका कोई अपराध है उस अपराध को मतलब उसने कोई ऑफेंस किया हो तो उस ऑफेंस पे जो पैसा लग रहा है उसमें, तो जो वो ऑफेंस के अंदर पैसा लग रहा है ना तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका कोई बिजनेस और प्रोफेशन से एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इसमें डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और सेक्शन 37 एज द सेम वॉज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी जो है वो भी जो पेनल्टी जैसे कि आपको कोई पेनल्टी पनिशमेंट मिली है आपको इतना फाइन पे करना है तो वो भी इंक्लूड नहीं करता है सेक्शन 37, ये याद रखना, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि मान लो कोई म्यूनसिपल अथॉरिटी है उसने कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस के लिए कोर्ट का पैसा लग रहा है या आने जाने का खर्चा लग रहा है, कोर्ट के अंदर वकील करने का जो भी पैसा लग रहा है, तो आप वो ये नहीं बोलोगे ये तो बिजनेस में से जो हमारा एक्सपेंडिचर है खर्चे हमारे ये है तो इसका नहीं, तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको कोई पेनल्टी भी अगर मिली आपको वो पैसे पे करना है तो उस पेनल्टी वाले पैसे का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, सेक्शन 37 नहीं देगा। एक केस और था CIT वर्सेज नीला वथी वर्स एंड अदर्स 2010 का केस था। इसमें बोला था कर्नाटक हाईकोर्ट ने हेल्ड दैट एनी पेमेंट टू पुलिस और राउडीज फॉर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम देम टू इलीगल एंड शुड नॉट बी अलाउड।
जैसे कि हम लोग पैसे देते हैं ना, पुलिस को पैसे दे रहे हैं या किसी राउटीज किसी भी जिसके कहते हैं ना वो सिक्योरिटी गार्ड को, हमने पैसे दे दिए कि आप, हम आपको पैसे दे रहे हैं कि आप हमारी प्रोटेक्शन करो। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने पुलिस को पैसे दे कि आप मेरी प्रोटेक्शन करो, तो जो पैसे मैं दे रही हूँ ना, तो आप उस पैसे को ये नहीं बोलोगे, डिडक्शन नहीं करवाओगे उसके अंदर, इसके अंदर कि आपका ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर आपका है ही नहीं, ये आपको तो एक पर्सनल मिल रहा है ना, तो पर्सनल नेचर जो है वो आपको इंक्लूड नहीं होगा। आई होप आपको ये सेक्शन 37 समझ में आ गया होगा, अगर हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो बिजनेस, जो बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉस में इसमें क्या पढ़ना चाहिए, सेक्शन 37 में आता है जो ये बताता है कि अगर जो सेक्शन 30 से 36 के अंदर डिडक्शन आपको कवर, या आपको सेक्शन 30 से 36 तक डिडक्शन नहीं मिल रही है, तो आपको सेक्शन 37 डिडक्शन आपको प्रोवाइड करेगा अगर आपका जो भी चीज है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के पर्पज से हो, पर्सनली नहीं होना चाहिए। इसके हमने बहुत सारे कंडीशन पढ़े थे, हमने पहला कंडीशन, देखो पहला कंडीशन आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि बिजनेस होना चाहिए। सेकंड, आप बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इसको इस वाले सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। आपका कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर जो खर्चे हुए हैं, आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। फोर्थ, आपका 30 से 36 सेक्शन तक जो है वो कवर नहीं होना चाहिए। और हमने एक चीज और पढ़ा था कि पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बस हमने यही पढ़ा था। उसके बाद हमने दो तीन चीजें और पढ़ी थी कि अगर आप कोई इलीगल वर्क कर रहे हो, बिजनेस ही कर रहे हो, मान लो मैं राउडीज हूँ, मेरा एक गैंग चलता है कि पैसे लेके किसी को मारना या कुछ करना, तो वो क्या है, वो इलीगल है। अगर आप उस पे आप खर्चे आपके हो रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो ये तो खर्चे हो नहीं है बिजनेस के, तो हमें डिडक्शन मिले, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। कंपनी का कोई, अगर आप सोशल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको नहीं डिडक्शन मिलेगी। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कुछ कर बना रहे हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो आपका अपना एडवर्टाइजमेंट है, तो उससे भी अगर आप पैम्पलेट आप दे रहे हो तो आप उसे कमाओगे भी तो कुछ, लोग एडवर्टाइजमेंट आपका देख के तो आपके पास आएंगे, तो वो आपका डिडक्शन नहीं होगा। फिर हमने दो केस पढ़े थे। फर्स्ट हमारा केस कौन सा था, मिलीना वाला केस था, जिसके अंदर ये था कि जो फीस पेड जो म्युनिसिपल अथॉरिटी कर रही है उसका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए, तो वो सेक्शन 37 के अंदर डिडक्शन नहीं किया जाएगा। और एक वो सीआईटी वाला केस हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा पैसे पुलिस को या राउडीज को दे रहे हो कि आपको प्रोटेक्शन मिले, तो वो पैसा आप डिडक्ट नहीं करवाओगे जब आप टैक्स पे करोगे। आई होप आपको ये 12 मिनट के अंदर ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हाँ, एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप सीए के स्टूडेंट है ना, तो सीए के स्टूडेंट्स में क्या होता है, उसका एक बहुत, इसमें जो हमने ये चीज ओवरव्यू पढ़ी है ना, हमें तो हमने सेक्शंस पढ़ा है, उसमें सेक्शंस के कैलकुलेशंस होती है। तो अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो मेरी वीडियो इनफ नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप बुक को भी रेफर करना, बुक से भी पढ़ना, और उसके क्योंकि उसमें बहुत सारी सिचुएशंस भी दी हुई है, तो उसको करना। एट द एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।